देश में नए ट्रैफिक रूल्स को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। हालांकि ये जनहित में है और हमें और आपको समझना चाहिए झारखंड में ये किस तरीके से क्रियान्वयन किया जा रहा है और क्या है इसकी उपयोगिता। हमारे साथ राज्य के परिवहन मंत्री सीपी सिंह जी हैं, इनसे जानना चाहेंगे। सर, ये ट्रैफिक रूल्स नया किया गया है, जुर्माने की राशि बहुत बढ़ा दी गई है, आखिर इसके पीछे उद्देश्य क्या है और कैसा फीडबैक मिल रहा है? देखिए, ये संसद द्वारा पास हुआ कानून है, मोटर व्हीकल एक्ट जो है 1989, और उसमें संशोधन किया गया है। और संशोधन करके जो जुर्माना की राशि थी उसे 10 गुना बढ़ा दी गई है। स्वाभाविक रूप से जो लोग कानून का पालन नहीं करते हैं उनके लिए तो कष्टमय हो गया है। झारखंड सरकार के हमारे अधिकारियों ने भी इसका नोटिफिकेशन निकाल दिया है और रांची की शिकायत तो अभी तक मुझे नहीं मिली है, लेकिन जब चैनलों में मैं देखता हूँ तो देश के अंदर अलग अलग चीज में ये देखने को आ रही है, दिखाया जा रहा है कि यदि किसी ने स्कूटी 15,000 रुपये में सेकंड हैंड खरीदी है और उसका चलान 27,000 का कट रहा है तो स्वाभाविक रूप से कोई भी कागज उसके पास नहीं है। मैं जानना चाहूंगा झारखंड प्रदेश में आपने जो पब्लिक अवेयरनेस की बात की उसकी शुरुआत कब होगी, क्योंकि पब्लिक में एक आक्रोश भी है और अचानक से उनके ऊपर जो बोझ आ जा रहा है, जो आर्थिक दबाव बन जा रहा है, वो भी उनके खीज का एक कारण बन रहा है, तो ये कब से पब्लिक अवेयरनेस के दृष्टिकोण से आप लोग कब से आगे बढ़ेंगे? निश्चित रूप से जिन बातों की चर्चा आप कर रहे हैं वो स्वाभाविक भी है और इसमें सच्चाई भी है। देखिए, चूंकि हमारी कोई भूमिका इसमें नहीं है, पहले तो बता दूं, केंद्र सरकार ने इसको कानून पास किया, राज्य सरकार को भेजा और राज्य सरकार के पदाधिकारियों ने इसका नोटिफिकेशन निकाल दिया। उसमें हमारी भूमिका है या नहीं है ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन उसमें हमारी कोई सहमति नहीं ली गई है। आज मैं कैबिनेट बैठक है और मैं जाऊँगा और माननीय मुख्यमंत्री जी से इस संबंध में इसके गुण और दोष दोनों पहलुओं पर मैं चर्चा करूंगा और मैं चाहूंगा कि झारखंड में सबसे पहले एक बार, दो बार, चार बार पूरा व्यापक पूरे झारखंड के अंदर इसका व्यापक प्रचार प्रसार होना चाहिए। लेकिन मैं संघर्ष कर रहा हूं, मेरा मानना यह है कि कानून पालन कराने वाले को पहले कानून पालन करना चाहिए, यानी चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। लेकिन ये अक्सर देखने को नहीं मिलता है, उसके अंदर है कि जो कानून पालन कराने वाले हैं यदि नहीं वो करते हैं तो उनको इसका दुगना जुर्माना है। लेकिन एक उदाहरण तो आपने खुद पेश किया कि आपकी गाड़ी के भी चालान कटे और आपने 3-3 दफा जुर्माना भरा, तो ये एक मैसेज पूरे देश में जरूर गया और साथ में प्रदेश के जनता भी इस बात को समझ रही है कि परिवहन मंत्री की गाड़ी का खुद चालान कट रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में आप समझ सकते हैं कि एक मिसाल कायम की है हमारे झारखंड के परिवहन मंत्री सीपी सिंह ने, और ये लोगों को इस बात के लिए भी जागरूक कर रहे हैं कि आपकी सुरक्षा के लिए ये सबसे जरूरी है, बेहद तरीके से जरूरी है नए ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना। तो हम भी अपनी तरफ से ये जरूर आग्रह करेंगे झारखंड के साथ समस्त देशवासियों को कि नए ट्रैफिक रूल्स को आप जरूर पालन करें, ये आपकी सुरक्षा के लिए है। कैमरा पर्सन सुरेंद्र प्रसाद के साथ ब्रजेश राय, R9 TV रांची।